ये लड़की मेरी आज फिर से 4 बार शादी करा चुकी है। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? तो व्लॉग की कंटिन्यूटी ज्यादा हो नहीं पा रही है, पर व्लॉग्स बंद नहीं होंगे, व्लॉग्स आते रहेंगे। पर अभी एक्टिंग पे फोकस है, बिकॉज़ दैट्स द मेन ब्रेड एंड बटर फॉर मी, आप लोग समझ सकते हो। तो गाइस, जो मैंने रिंग लाइट मंगाई थी वो मेरी रिंग लाइट आ चुकी है। गाइस, फाइनली रिंग लाइट मैंने असेंबल कर ली है। रिंग लाइट ही यूज़ करूँगा मैं ऑडिशन लेने के लिए। तो आई हैव नॉट डिसाइडेड द कॉर्नर हेड, बिकॉज मेरे घर में ये कॉर्नर हेड ओनली प्रॉब्लम है इसकी, नीचे चलता हुआ रोड है, तो हॉर्न की इतनी ज़्यादा नॉइज आती है कि मैं ऑडिशन को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। एक ये भी वॉल बहुत अच्छी है रिकॉर्ड करने के लिए, बट देन मैं सोच रहा हूँ कि जो ये वाली वॉल है मैं इस पूरी वॉल को ग्रे कर देता हूँ, एंड देन व्हेनेवर आई नीड टू रिकॉर्ड एन ऑडिशन मैं ये जो लिंकिंग पार्क वाला है इसको मैं हटा के मैं इधर लगा दूँगा कहीं पर प्रॉब्लम, एंड देन ये पूरी जो वॉल है ये मेरी ग्रे हो जाएगी। तो जब भी मुझे ऑडिशन करना है तो मैं ये हटा दूंगा यहाँ से सोफ़ा, और यहाँ पे रिंग लाइट लगा के सामने स्टैंड देयर एंड आई कॉल एन ऑडिशन। व्हाट डू यू थिंक गाइस, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई एम शूटिंग फॉर मालापाल ज्वेलरी। मेरे को कल रात को ही शूट का कॉल आया एंड फाइनली आई एम हेडिंग टू द शूट लोकेशन। दैट इट्स अ ब्लेसिंग कि ब्यूटीफुल डे पे आपको शूट करने का मौका मिलता है। सोचता हूँ आज मज़ा आएगा, आज BMW से जा रहा हूँ शूट लोकेशन पे। इट्स अ गुड फीलिंग। आई होप लाला ने बाइक, ओह यस, बाइक साफ हो चुकी है, बाइक इज क्लीन एंड नीड टू क्लीन। तो थैंक्स टू माय फ्रेंड पंकज, जो घर जाने से पहले मुझे अपनी छोटी सी क्यूटी दे गया। On my set and I reached before time. मैं मास्क नहीं निकाल सकता बिकॉज इट्स मैंडेटरी टू वेयर अ मास्क ऑन दिस सेट। लेट मी जस्ट शो यू गाइस, ये जो स्टूडियोज होते हैं वो स्टूडियोज ऐसे होते हैं और फिर उसके बाद पूरा सेट बनता है एंड देन यू नो यू सी द एंटायर सेट। आप लोग TV पे या YouTube पे आप फोटोज़ में देखते हो प्रॉपर सेट दिखता है, बट देन उसके पीछे ऐसी मेहनत होती है, यू नो अभी एंटायर टीम इज वर्किंग है। अच्छा, मज़ा आता है शूट करने में, लेकिन इट्स अ वेरी टफ जॉब टू गेट सेलेक्टेड फॉर एनी सॉर्ट ऑफ शूट और यू नो एनी सॉर्ट ऑफ सीरियल और वट एवर, बट उसका भी एक अपना अलग फन है। अभी मैं करता हूँ ब्रेकफास्ट। ये हमारा ब्रेकफास्ट है दादा, दादा चाय भी ला देना, वो मेकअप रूम में रख दो आप। ये है हमारे मेकअप दादा। दादा कैसे हो आप? ये वीडियो है मेरे YouTube चैनल के लिए। अरे वाह, जिन लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, सब सब्सक्राइब करो यार, आप सब लोग भी देखो। मैं कपड़े पहनने वाला था लेकिन उससे पहले मेरे को बहुत तेज सुसु आ रहा था, मैंने कहा पहले हल्का हो लेते हैं उसके बाद काम करेंगे। बंद अंदर नहीं ले आऊंगा, अकेला जाऊंगा। इतना मज़ा आया ना भाई हल्का होके। एज ऑलवेज आई विल ट्राई टू शूट इनसाइड, बट आई एम नॉट प्रॉमिसिंग बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है क्लाइंट अपना प्रोडक्ट रिवील नहीं करना चाहता है, वी नॉट अलाउड टू शूट इनसाइड, बिकॉज आज मैं मेरा ट्राइपॉड कैरी नहीं कर रहा हूँ सो दैट नोबडी नोज दैट आई एम ब्लॉगिंग। तो मैं ऐसे ही फोन से शूट कर लूँगा। अब इतना गोरा कैसे लग रहा हूँ भाई, लेकिन गाइज मेरे बाल कैसे लग रहे हैं प्लीज़ आप वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये हेयर स्टाइल मेरे पे कैसा सूट कर रहा है। मुझे बहुत सारे छोटे बालक में अच्छे लगते हैं, बट क्लाइंट को यही चाहिए पफ पफ। सो गाइस, फाइनली शूट स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे मेरा शूट होना है। सो द अदर मॉडल इज शूटिंग राइट नाउ एंड वंस ही इज डन आई एम गोना गो ऑन द फ्लोर। तो गाइस ये रेफरेंस शॉट है, तो ऐसे शॉट्स हम लेने वाले हैं। मेरी शर्ट पे ना यहाँ पे क्रीज आ गई थी, तो दादा अभी कोशिश कर रहे हैं कि अंदर से इसको, दादा मेरा पेट बचा के, पेट के लिए काम कर रहा हूँ मैं। फाइनली हो गया, खाली खड़ा आदमी करे आ गया भाई। मैंने कहा मैं ग्रीन टी पी लेते हैं यार, मुझे तो कुछ चाहिए होता है पीने के लिए। पीने से मतलब है चाय कॉफ़ी ग्रीन टी जूस, हेल्दी लाइफ, नॉट समथिंग एल्स। भाई क्या फ्रेम आ रहा है, ऐसे लग रहा है मैं दिल्ली में शूट कर रहा हूँ ठंड के अंदर। बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक होती हैं जब हम शूट कर रहे होते हैं, एंड देन इन द एंड फोटोग्राफर एंड द क्लाइंट दे डिसाइड व्हिच वन टू टेक फॉर द प्रिंटिंग और व्हाट एवर मीडियम दे वांट टू यूज़ इट। आई एम वेरी हैप्पी टू गेट एसोसिएटेड विद दिस ब्रांड, गॉड इज बीइंग काइंड। तो भाई पहला मेरा, पहला छोड़ो, पहले तुम ये देखो क्रैक जैक। बहुत दिनों बाद आता था मेरे को बिस्किट दिखा है। हम लोग जब शॉपिंग वॉपिंग करने जाते हैं आजकल वो टाइट कॉन्शियस वाली चीज़ें चलती हैं,
वर्क इंडस्ट्री बॉम्बे क्या क्रैकी फीलिंग है ना भाई, मैं बता नहीं सकता। मुझे बिस्किट खाते खाते एक्चुअली बात याद आई, आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि कंपनी का नाम पार्ले कैसे पड़ा। अच्छा, जो लोग बॉम्बे से हैं उनको प्रॉबेबली इस बारे में पता होगा, नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। बॉम्बे की एक जगह है विले पार्ले, पार्ले की जो सबसे पहली कंपनी थी विले पार्ले में ही लगी थी। विले पार्ले ईस्ट में कंपनी है, विले पार्ले से ही पार्ले का नाम आया। तो जिन लोगों को नहीं पता था भाई अब याद कर लेना, अगली बार को पूछ लो तुम आगे मुझे बता दे। गाइस दिस इज माय आउटफिट नंबर 2, प्रोडक्ट नंबर 2। हां सर बोलो। कोई बात करने देगा नहीं क्या? वो हैप्पी मूड राइट? ही इज फोमो जी। ओह नो, आई डोंट नो दिस गर्ल। प्लीज फोमो डोंट गिव नंबर। लुक 3 इज रेडी। थोड़ा नहीं ना। भाई जो रात के बज चुके हैं 9:30, मैं घर जाऊंगा, लक्ष्मी जी की पूजा करूंगा और धन आएगा, पर मैं शूट से फ्री नहीं हो पाया अभी तक। भाई ये देखो, ये होते हैं शूटिंग के सेट, ऐसे होती है शूटिंग। ये यहाँ पे प्रोडक्ट शूट हो रहा था, ये पीछे यहाँ पे वीडियो शूट चल रहा है, इस बैकग्राउंड पे यहाँ पे एडिटिंग हो रही है प्रोडक्ट शूट की। ओ यार मैं थक गया हूँ, ऑनेस्टली बताऊँ मैं अब घर जाना चाहता हूँ। मुझे मेरी दीदी का फोन आया, दीदी बोलती आइयो भैया आप सुबह तो खाना खाया नहीं, आपने खाना बनवाया, मैं खाना बनाने का कि नहीं बनाने का। मैं दीदी को क्या बोलूँ यार, अनप्रडिक्टेबल से हमारे टाइम होता है, अनप्रडिक्टेबल से हमारा काम होता है। मुझे कल कॉल आया, मैं शूट पे आ गया। अब दीदी को मैं इन्फॉर्म करना ये भूल गया कि मेरा अर्ली मॉर्निंग कॉल टाइम है। ओहो ओहो ओहो, बस भैया थैंक यू फॉर मेकिंग मी सो हैंडसम इन दिस लाइट। ये लड़की आज मेरी फिर से 4 बार शादी करा चुकी है। सर बैठे हैं, सर खा रहे हैं। So guys, finally shoot हो गया है, over now. I'm heading home. It was a very long day. Note, अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो के नीचे लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर करो सर, और जिन लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड घर रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, अपने माँ बाप को प्यार करते रहो और उनके साथ रहो। नहीं भी रहते हो तो फिर भी प्यार करते रहो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, उन्हीं की वजह से हम हैं। ऑन दैट नोट, बाय, फिर मिलते हैं।